हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ केटी प्रोफेशनल का बोटेक्स हेयर ट्रीटमेंट। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसके अंदर चार प्रोडक्ट्स आते हैं, आप देख सकते हैं। ये है केटी का टेरिफाइंग शैम्पू। सेकेंड नंबर पर आप देख सकते हैं इसके अंदर दिया गया केटी का फाइबर बोटेक्स मैक्स। थर्ड नंबर पर आप देख सकते हैं इसके अंदर दिया गया केटी का अल्ट्रा स्मूथ शैम्पू। एंड फोर्थ नंबर पे आपको दिया गया है केटी का अल्ट्रा स्मूथ कंडीशनर। हम केटी का बोटॉक्स करने जा रहे हैं। इसमें दो बार शैम्पू होता है। पहला शैम्पू करने के बाद 5 मिनट छोड़ेंगे, उसके बाद दोबारा दूसरा शैम्पू करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम रिंस कर रहे हैं। ये जो शैम्पू है ये क्यूटिकल्स ओपन करता है। जब हमारे क्यूटिकल्स ओपन होंगे तो नेक्स्ट जो हम फाइबर बोटॉक्स करेंगे वो क्यूटिकल के अंदर फिल हो जाएगा। इसलिए क्यूटिकल ओपन करने के लिए हमें इसको दो बार शैम्पू करना होता है ताकि हमें परफेक्ट कैनवास मिल सके प्रोडक्ट फिल करने के लिए और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट रहे, क्योंकि ये प्रिपरेशन है, मेन स्टेप है ये हमारा। अगेन हम सेकेंड टाइम शैम्पू करने जा रहे हैं। ये डीप क्लिनजिंग शैम्पू है एंड जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये क्यूटिकल ओपन करता है। क्यूटिकल ओपन होंगे सेकेंड लेयर बालों की तो उसके बाद प्रोडक्ट फिल होना इजी होगा एंड रिजल्ट जो रहेगा हमारा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो आप घबराइए नहीं, थोड़ा सा बाल अभी रफ रफ लगेगा क्योंकि क्यूटिकल ओपन हुए हैं, तो घबराने की बात नहीं है, ये हमारा प्रिपरेशन है। अच्छे से हम लेदर क्रिएट करेंगे। लेदर क्रिएट करने के बाद हम 5 मिनट्स इसको छोड़ेंगे। कोई भी ऑयल कुछ भी सब्सटेंस बाल में है तो वो निकल जाएगा एंड रेडी हो जाएगा हेयर हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए। जैसे कि हमारा सेकंड शैम्पू हो चुका है, अब हम रिंस कर रहे हैं। तो मैं अच्छे से रिंस कर रही हूँ और मुझे फील हो रहा है मेरे फिंगर्स को कि क्यूटिकल लेयर खुल चुकी है। हम टॉवल ड्राई करने जा रहे हैं। इसके बाद मैं ड्रायर करने जा रही हूँ, जो कि ड्रायर मेरा आइकॉनिक का है। कोई भी ड्रायर, नॉर्मल वाला, वेगा या फिलिप्स का ना यूज करें, प्रोफेशनली ड्रायर यूज करें। प्रोफेशनल ड्रायर आइकॉनिक है एंड नोजल जरूर साथ में यूज करें। जैसे कि आपने देख लिया है, मैंने अच्छे से ब्लास्ट ड्राई कर दिया है बालों को। अब मैं सेक्शन 4 सेक्शंस लूंगी, उसके बाद मैं आपको प्रोडक्ट एप्लीकेशन बताती हूँ किस तरह करनी है। अब मैं आपको प्रोडक्ट दिखाने जा रही हूँ, सेकेंड नंबर फाइबर बोटॉक्स मैक्स। इसका रिजल्ट 50-70% स्ट्रेट है और कैरेटीन से ये बेटर है। तो मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ किस तरह का। ये आपको लाइट ब्लूइश कलर में आपको दिखेगा। पूरा प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट निकालेंगे। जैसे जैसे एप्लीकेशन करते जाएंगे वैसे वैसे हम प्रोडक्ट लेते जाएंगे। डैब डैब करके एप्लीकेशन करेंगे। प्रोडक्ट कम भी नहीं लगाना और बहुत ज्यादा भी नहीं लगाना, जितना नेसेसिटी है थोड़ा प्रोडक्ट लगाना है कि अच्छे से मल्सिफिकेशन आपने उस प्रोडक्ट को जरूर करना है।
हाफ टू वन इंच आप रूट छोड़ के लगाएंगे। जैसे हम कैरेटीन अप्लाई करते हैं वैसे ही इसको भी एप्लीकेशन करनी है। सेम टेक्निक है कैरेटीन को जिस तरह हम करते हैं, और प्रोडक्ट विदाउट ग्लव्स पहने ना लगाएं, ये नेल्स में चला जाता है, हार्मफुल होता है, तो ऐसे केमिकल्स के लिए आपको ग्लव्स पहनने बहुत जरूरी है। ये प्रोटीन ट्रीटमेंट तो है ही, साथ में फाइबर भी है इसमें। टेलकॉम की हेल्प से हम सेकेंड सेक्शन लेंगे। इस प्रोडक्ट की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, हार्ड नहीं है जैसे केराटिन्स की होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। चाहे वो 100% फॉर्मल्डिहाइड फ्री हो तब भी स्मेल होती है, बट इस प्रोडक्ट की अभी तक तो मुझे कोई स्मेल नहीं आ रही, और आ भी रही है तो बहुत ही हल्की और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कॉम की हेल्प से मैं अच्छे से प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करा रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं कितना कम प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ये प्रोडक्ट जो है पेनिट्रेट इजीली हो रहा है और मुझे नीड नहीं लग रही प्रोडक्ट लगाने की ज़्यादा, तो मैं यही फील कर पा रही हूँ कि प्रोडक्ट जो है वो कम यूज़ हो रहा है इसका। डैब डैब करके मैंने अप्लाई किया प्रोडक्ट, एंड देन फिंगर्स की हेल्प से इमल्सिफाई कर रही हूँ अच्छे से। एक एक बाल में मैं प्रोडक्ट पेनिट्रेट कर रही हूँ। अगर मेरा प्रोडक्ट पेनिट्रेट नहीं होगा एक एक बाल में तो रिजल्ट में कमी आएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें 100% रिजल्ट चाहिए इसका प्रोडक्ट का, तो हम अच्छे से पेशेंस के साथ प्रोडक्ट जो है इमल्सिफाई कर रहे हैं।
तो इसी तरीके से आपने जो है बालों के अलग अलग सेक्शन लेने हैं और डैप डैप करते हुए अच्छे से बालों के अंदर लगा लेना है। और मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड इसलिए दिखा रही हूँ कि वीडियो बहुत लंबी ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से लगाना है। तो मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है हेयर ट्रीटमेंट की वीडियो बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से इन्होंने पूरे बालों को कवर करते हुए कितने अच्छे से प्रोडक्ट को लगाया है, और ये जो है कंप्लीट होने ही वाला है क्योंकि पीछे सारे बालों में लग चुका है, अभी ये लगा रही हैं आगे को। और आप देख सकते हैं कितनी सफाई से और कितनी नीटली इन्होंने लगाया है प्रोडक्ट को। तो इसी टेक्निक को फॉलो कर आप पा सकते हैं प्रोफेशनल रिजल्ट, क्योंकि एक प्रोफेशनल है। और मैं आपको डायरेक्ट बोटेक्स ट्रीटमेंट दिखा रही हूँ केटी का सलून से, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। जैसे कि हमने सारा प्रोडक्ट बालों में लगा दिया है, उसके बाद मैंने कॉम कर दिया है पूरे बालों में, तो अब हम इसको 35 मिनट्स छोड़ेंगे इनके हेयर के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने प्रोडक्ट जो है 35 मिनट्स हो चुके हैं छोड़े हुए, और रूट से हमने 1 से 1.5 इंच छोड़ा है। वो हमने इसलिए छोड़ा था प्रोडक्ट क्योंकि हेयर फॉल या स्कैल्प ड्राई हो जाती है, इसलिए स्कैल्प पे प्रोडक्ट नहीं लगना चाहिए। तो हमने कॉम में कर रही हूँ अच्छे से। तो कॉम करने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि थोड़ा थोड़ा बाल जो है कड़क कड़क फील होगा, हार्ड हार्ड, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो हमने ऐसे कॉम कर दी बालों को अच्छे से प्रोडक्ट। 35 मिनट्स छोड़ने के बाद बाल आपको दिख रहे हैं ऐसे दिखेंगे। इसके बाद हम ड्रायर करेंगे, पहले हम कोल्ड ड्रायर करेंगे, एकदम डायरेक्ट हीट नहीं देंगे, उसके बाद हम हीट ड्रायर से ब्लो ड्रायर करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप मैं आपको वीडियो में बताती हूँ कि क्या होगा। मैं बिल्कुल कोल्ड ड्राई से स्टार्ट कर रही हूँ। सेक्शन बाय सेक्शन लेके ब्लो ड्रायर करेंगे। अब मेरा मीडियम हीट पर ड्रायर चलेगा। ड्राई कर रहे हैं, बस लास्ट फिनिशिंग दे रहे हैं। मैंने फुल फ्लो ड्राई कर लिया सेक्शन बाय सेक्शन। टाइटेनियम प्रो वाली आइकॉनिक की प्रेसिंग मशीन मैं यूज़ कर रही हूँ। जब भी आप केराटीन या बोटॉक्स या कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, तो फिलिप्स और वेगा जैसे ब्रांड्स ना यूज़ करें, आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप आइकॉनिक की टाइटेनियम करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। अदरवाइज आप आइकॉनिक की अच्छी वाली मतलब S3 आप यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा मैं रिकमेंड नहीं करूँगी।
कि आप कोई भी प्रेसिंग मशीन यूज करें, क्योंकि प्रेसिंग मशीन मेन है। अगर प्रेसिंग मशीन हमारी अच्छी नहीं होगी तो हमारा रिजल्ट नहीं बढ़िया आएगा। तो हमारा अब मेन रिजल्ट जो है आयनिंग पर है। आयनिंग में किस तरह करती हूँ मैं आपको एक एक लेयर सेक्शन बाय सेक्शन करके आपको मैं दिखाती हूँ किस तरह करूंगी। इनके बाद है फाइन, तो मैं फाइन हेयर्स पर 192-220 तक ही टेम्परेचर सेट करूंगी, इससे ऊपर नहीं जाऊंगी। वैसे 190 पर ही मैं काम करूंगी क्योंकि हाइलाइट्स हो रखी है, तो जो है क्लाइंट का बाल जो है वो हमें बचाना है, सेव करना है, तो हम 192-220 से ऊपर हम नहीं जाएं। मैंने सेक्शन बाय सेक्शन बाल जो है डिवाइड कर लिए हैं। अब मैं आइकॉनिक की प्रेस पे 190 सेट कर लिया है मैंने टेम्परेचर, एंड मैं आपको आयनिंग करना सिखाती हूँ किस तरह इस पे आयनिंग करनी है। एक लेयर पे आप 15-20 टाइम्स प्रेस मारेंगे, आयन करेंगे, क्योंकि हमारा मेन रिजल्ट जो है वो आयनिंग पर ही है। एंड एक बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप केराटिन या बोटॉक्स करने जा रहे हैं तो ग्लव्स जरूर पहने, क्योंकि ये हार्श केमिकल्स होते हैं, हमारे नेल्स के अंदर चले जाते हैं, तो हमें ग्लव्स पहनना बहुत जरूरी है। अब बेसिकली हमारी आयनिंग जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा हमारा रिजल्ट आएगा। अगर हमने आयनिंग अच्छी नहीं की तो हमारे रिजल्ट में कमी आ सकती है। मैं आपको एक दो लेयर कर दिखाऊंगी और उसी तरह ही आपने वही दोबारा रिपीट करना है सारे बाद में। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट जो है वो उड़ रहा है एंड हीट से पेनिट्रेट हो रहा है। इस केराटीन में फाइबर भी है एंड आपका प्रोटीन भी है। फाइबर एंड प्रोटीन जो है, बाल जब ब्रिटल हो जाता है, स्प्लिटेंड्स हो जाते हैं, हेयर ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है, शाइन नहीं है बाल में, तो आप उन क्लाइंट्स को आप सजेस्ट कर सकते हैं बोटॉक्स करा लीजिए। हाँ, केराटीन से मच बेटर है, इसका रिजल्ट जो है लॉन्ग लास्टिंग भी है। केराटीन इतना नहीं चलता, 3 मंथ्स मुश्किल से लास्ट करता है, ये 4-6 मंथ्स लास्ट करता ही है। बाकी हेयर की केयर पर डिपेंड करता है कि आप पोस्ट केयर में उनको जो है शैम्पू कंडीशनर इसी ब्रांड का दें, उससे रिजल्ट जो है लॉन्ग लास्टिंग। हेयर के वेव पर भी डिपेंड करता है, कितना बाल में वेव है, तो उस अकॉर्डिंग भी आपको आयनिंग एटलीस्ट 30 टाइम्स करनी पड़ेगी जिसका वेव ज्यादा स्ट्रांग होगा। बट बाल की क्वालिटी आप जरूर देखेंगे, हाइलाइट्स हुए हुए हैं, कलर हुए हुए हैं, तो हम 30 टाइम्स नहीं करेंगे, हमें बाल सेव भी करना है। एंड रूट्स पर कभी ना लगाए प्रोडक्ट, हेयर फॉल की दिक्कत उन्हीं क्लाइंट्स को आती है जिनका प्रोडक्ट जो है रूट्स पे लग जाता है, तो रूट्स पर ना लगाए, इसका ध्यान रखें। एंड्स पे अच्छे से आयनिंग करें, एंड से बाल हमेशा खड़ा रहता है, रफ लगता है। इनकी हम ट्रिमिंग नहीं करेंगे, ट्रिम नहीं कराते हैं, बट आप अगर आप ट्रिमिंग करना चाहते हैं तो प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले ही आप हल्की हल्की ट्रिमिंग कर लें, नहीं तो जब नेक्स्ट वॉश के लिए क्लाइंट आएगा तब आप ट्रिमिंग के लिए उनको सजेस्ट कर सकते हैं। इस तरह आयनिंग करनी है, पतले पतले सेक्शंस लेकर, थिक सेक्शंस नहीं लेने हैं, एंड पार्टिंग क्लियर होनी चाहिए।
इस प्रोडक्ट के बाद बाल थोड़ा सा हार्ड हो जाता है जब प्रोडक्ट लगा हुआ है। रिंस करने के बाद नॉर्मल होता है आगे के प्रोसीजर के बाद, बट हाँ इस स्टेज पे एंड्रायर के स्टेज पे आपका बाल जो है वो हार्ड होता है क्योंकि प्रोडक्ट इसमें लगा हुआ है, थोड़ा सा हार्डनेस दिखेगी आपको, तो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। ड्रायर एंड प्रेसिंग मशीन से जो प्रोडक्ट है वो हम पेनिट्रेट कराते हैं। बेसिकली जो भी रिजल्ट है वो हमारा इसी प्रेसिंग पर ही डिपेंड करता है, हम कितनी अच्छी प्रेसिंग करते हैं। मैं 5 to 6 स्ट्रैंड्स एक बार आयरिंग करने के बाद दूसरी पार्टिंग पे जाती हूँ, फिर मैं दोबारा उस पे जाती हूँ ताकि हीट भी ज्यादा ना लगे बाल को और बाल भी डैमेज ना हो। एंड तक सील करेंगे प्रोडक्ट। हमेशा हेयर मिडलेंथ टू एंड जो होता है वो ज़्यादा ड्राई होता है, वहाँ प्रोडक्ट अच्छे से पेनिट्रेट आप ज़रूर कराएं। तो इस तरीके से आपने प्रेसिंग करनी है और एक एक बालों के स्टैंड को कम से कम 15 से 20 बार प्रेस करना है। तो मैंने आपको डिटेल में दिखाई दिया है इसलिए मैंने इस वाले पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो इस तरीके से आप पा सकते हैं बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट अगर आप हमारी वीडियो को फॉलो करते हो तो, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट सलून से दिखा रही हूँ किस तरीके से किया जाता है ये वाला ट्रीटमेंट। हमने प्रेसिंग कर ली है एंड प्रेसिंग आयनिंग ख़त्म होने के बाद हम 10 मिनट्स के लिए बालों को नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ेंगे एंड फिर हम रिंस करेंगे एंड मास्क लगाएंगे या कंडीशनर लगाएंगे। अब हम केटी का केराटिन थेरेपी हेयर मास्क लगा रहे हैं जो डीप कंडीशनिंग के लिए एंड नरिशमेंट एंड हाइड्रेटिंग ट्रीटमेंट मास्क है। तो मैं ये लेंथ में लगाऊंगी जितना मुझे नीड है। सिर्फ मिड लेंथ टू एंड लगेगा, रूट्स में नहीं लगेगा। हमने टॉवल ड्राई कर लिया है, उसके बाद अब हम ड्रायर कर रहे हैं मीडियम हीट पे। सेमी ड्राई कर दिया है, अब हम केराटिन
का आर्गेन ऑयल इनिकाई केटी कंपनी का यूज़ करने जा रहे हैं। जो मैंने दो पंप लिए हैं मेरे लिए सफिशिएंट है। मैंने फिंगर्स पर लेकर सेमी ड्राई हेयर्स पर अप्लाई कर दिया है, जो कि होम केयर में भी आप इनको बता सकते हैं। हम वॉश कर चुके हैं, इसके बाद हमने ड्राई करने के बाद आपको मैं रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कितना शाइनी हेयर लग रहा है। देखिए कितना बाल चमक रहा है, शाइन कर रहा है। फाइबर बोटॉक्स जो है इसमें फिल हो चुका है। कलर से बिल्कुल बाल फ्रिजी नहीं लग रहा, एकदम कलर फिलिंग लग रहा है। तो इस किट के अंदर 3 और 4 नंबर पर शैम्पू एंड कंडीशनर दिया गया है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं होम केयर के अंदर। तो यही थी बस मेरी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि मैं जैसे ही न्यू वीडियो डालूँ तो अपडेट आपको मिल सके। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ, बाय।